सवाल पूछा है, एक मिनट, इन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब हम दे तो रहे हैं। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मांग लेंगे वो जवाब। आपका उत्तर सुनिए। हाँ बताइए, उत्तर बताइए। श्री कृष्ण पट्ट रागी ज्ञा गोलोक राधिका भैया, जब ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ था, कोई मुझे यहाँ बता सकता है पूरे ग्रंथ 18 पुराण पढ़ करके नामकरण संस्कार प्रत्यक्ष हुआ था कि छुपकर हुआ था? भगवान के कितने संस्कार छुपकर हुए? जो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं अगर इसका नामकरण संस्कार आपके पुत्र का करता हूं तो कंस को लगेगा कि ये देव की वसुदेव का पुत्र है। इसलिए नंद बाबा ने कहां कराया नामकरण संस्कार? गौशाला में छुप करके गोपनीय रूप से। और जब कराया तो राधा रानी की कुंडली दिखाई। आप पढ़िए, वृषभान जी ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री के लिए सुयोग्य वर कौन है, आपसे बड़ा ज्योतिषी संसार में दूसरा नहीं। सुन लीजिए पहले पूरी बात, प्रसंग पूरा सुनते हैं तब पूरा होता है, एक बात से नहीं होता। तो गर्गाचार्य जी से, वहां वृषभान जी से गर्गाचार्य जी ने कहा है कि साक्षात जो श्री कृष्ण है, जो परिपूर्ण अवतार लेकर आए हैं, उनकी भी आह्लाद नहीं सकती, जो कभी भी अवतार नहीं लेती, गोलोक धाम से पहली बार इस ब्रजमंडल पे आई हैं, वो राधा रानी, उनका सुयोग्य वर कृष्ण के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। सुनिए फिर उन्होंने कहा है, आप पहले सुनिए पहले। क्या ये गोपनीय प्रयत्न था क्या? अरे सुनिए पहले। फिर उन्होंने कहा है कि आप ही आचार्य बनेंगे, आपसे योग्य कोई नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं राधा कृष्ण का विवाह करा सकूं, तो फिर कौन कराएगा पृथ्वी पर? पृथ्वी का कोई व्यक्ति राधा कृष्ण का विवाह कराने के सामर्थ्य नहीं रखता, तो फिर कौन कराएगा? बोलो स्वयं ब्रह्मा जी कराएंगे, स्वयं ब्रह्मा जी आकर के कराएंगे। और ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, प्रमाण देखिए आप, श्लोक सुनिए। तदाम वरो देव वरो विधि प्रभु समागतस्तस्य परस्य सम्मुखे नत्वा तदम्ब्री सतीग्राभि कृतांजलिश्चारु चतुर्मुखो जगो। चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने सिंहासन पर स्वर्णमय जटित पर राधा कृष्ण बैठे हैं और उनको प्रणाम किया है। और क्या कहा है इसको सुनिए। यदा युवाम प्रीत युतौ चंद्र पीताम्बरात वन रूप रूपितौ तथापि लोक व्यवहार संग्रह द्विविधम विवाहस्य तुकास्य माराभ्यहम। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपके विवाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी उस समय से जानते थे कलयुग में एक प्रदीप मिश्रा नाम का व्यक्ति होगा जो राधा जी के चरित्र पर आक्षेप करेगा, इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं लोक व्यवहार संग्रहाद, फिर भी लोक व्यवहार के लिए प्रभु मैं आपका विवाह कराता हूं, क्योंकि आप अलग नहीं है, विवाह उसका होता है जो अलग होते हैं। राधा कृष्ण एक हैं, एक व्यक्ति का विवाह नहीं होता, परंतु आप भेद से जन्म लेकर आए, इसलिए व्यवहार लोक के लिए मैं आपका विवाह कराता हूं। तब ब्रह्मा जी ने वहां उठ करके तदास उत्ताय विदुर हुतासनम प्रज्वाल्य कुंडे स्थितयोस्तयो पुरा श्रुते करग्राह विधिम विधानतो विधाय धाता संवस्थितो भवत। विधाता ने स्वयं घेरे लगवाए हैं, स्वयं विधाता। आपने यहां पर उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया प्रमाणों के साथ। केवल ये केवल ऐसा तो नहीं है ये कि लोकवंतु लीला केवलम, लोकवंतु लीला ग्रंथों में नहीं होती, ग्रंथों में नहीं होती, नहीं इसमें तिथि नहीं है, अगर कोई सहयोग नहीं है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम पाणिनीय सूत्र है, पाणिनीय को आप नहीं मानते, पूरा दक्षिण भारत मानता है, पूरा ब्रह्मांड मानता है। अगर हम लोग को सब आपने ये जो रेफरेंस दिया सर्वे हिमेश सुमायाराम सुखांतरे बनाकर उड़ा दिया आपने, एक मिनट हमारे दर्शकों के लिए बताइए आपने ये जो पूछा था वो क्या था? हमने ये पूछा था किस तिथि में, नहीं नहीं अभी जो आपने जो आप में आइए एक मिनट मैंने ये पूछा था लोकवंतु मतलब देश के दुनिया के लिए केवल लीला नहीं, इसलिए धन्य है जो पूरा त्रिलोकी जन कृष्ण के तत्व की चर्चा करता है, कृष्ण कृष्ण रटता है। जब द्वारका में कृष्ण सोते हैं तो उनके शरीर के रोम रोम से राधा राधा शब्द आता है। अच्छा एक चीज बताइए, आपकी द्वारकाधीश जो है मथुरा का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें राधा जी की मूर्ति क्यों नहीं स्थापित? द्वारकाधीश राजा दरबार में राधा रानी थोड़ी रहेंगी, भगवान कृष्ण के दो स्वरूप है, दरबार में राधा रानी थोड़ी रहेंगी। दूसरे उड़ीसा में जो मंदिर है वहाँ क्यों नहीं स्थापित? दरबार में राधा रानी आपके प्रश्न का उल्टा प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा दूसरी आपने अब तक आपने इतने मानी आपने इतने प्रश्न किए हैं, अब आपसे दो प्रश्न हमारे हैं जी। आप कह रहे हैं फला मंदिर में नहीं है, हमारे ब्रज में राधा जी का मंदिर राधा कृष्ण के साथ है जी, पूरे विश्व में राधा कृष्ण के मंदिर हैं। अगर प्रदीप मिश्रा का बयान और उनका प्रमाण यदि ठीक है तो हम कल से सारे मंदिर बंद करा दे, यही कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आप सवाल पूछना चाह रहे थे, सवाल पूछ ले, सवाल का जवाब इन पर नहीं है। क्या सवाल जवाब दे रहे हैं? आपका सवाल क्या है? आपने हमने इनसे ये पूछा कि राधा कृष्ण बरसाने में साथ क्यों है, पूरे विश्व में राधा कृष्ण साथ क्यों है? बस सवाल पूछ लिया आपने, अब मैं जवाब ले लेता हूँ, बताइए। मैं ये कह रहा था इनसे, वो पूछ रहे सवाल आपसे, फिर से पूछे सवाल। हम ये पूछना चाहता है पूरे विश्व में
और ब्रजमंडल में बरसाने में और उस ब्रजमंडल की गली गली में पूरे संसार में राधा कृष्ण के मंदिर एक साथ क्यों हैं? इसलिए है कि राधा जी को बहुत प्रेम करते थे कृष्ण भगवान, और राधा जी कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। वो प्रेम का प्रतीक है और वो लक्ष्मी जी के अंश हैं, इसलिए उनको अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में जी,